अंशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में आखिरकार सीएम पद के लिए किसे आगे किया जाएगा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट या फिर यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर यहाँ पर किसी अन्य तीसरे नेता को आगे कर दिया जाएगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साफ तौर पर कहा कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, जब उन्होंने गहलोत और पायलट के साथ मिलकर बातचीत की कि आपसी जो यहाँ पर रंजिशें हैं, आपसी जो यहाँ पर मतभेद हैं, उनको भुलाइए और एकजुटता का संदेश दीजिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। फिलहाल देखा जाए तो सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अहम फैसले भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, 92 विधायकों ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनके इस्तीफे पर आखिरकार यहां पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, आखिरकार यहां पर उन्हें पर्दे के पीछे क्यों रखा जा रहा है। सीपी जोशी को हाईकोर्ट तक ने नोटिस भेज दिया है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाइए, क्योंकि 92 से अब 91 विधायकों की संख्या हो चुकी है, सीपी जोशी का फैसला अब तक नहीं आया है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर 3 मंत्रियों पर सभी की निगरानी बनी हुई है। ये 3 मंत्री कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर ये 3 मंत्री हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। 23 दिसंबर के दिन अहम बैठक होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे की। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो इन तीनों ही मंत्रियों पर अगर गौर किया जाए तो खबरों के मुताबिक अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल यहां पर राजस्थान में सियासी संकट जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनुशासनहीनता मामले में अपना फैसला जल्द से जल्द सुना सकते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन तीनों ही नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, यहाँ पर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। तीनों नेताओं को नोटिस और अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जा सकता है। मालूम हो कि राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस जारी किया था। तीनों नेताओं ने अपना जवाब भी दे दिया, लेकिन अब खबरें जो आई थी वो खबरें ये थी कि आलाकमान ने तीनों ही नेताओं को माफी दे दी है और ऐसे में केसी वेणुगोपाल ने अटकलों को खारिज किया और कहा कि मामला अनुशासन समिति के पास विचाराधीन है। माना यह जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारीवाल और जोशी का यहां पर मंत्री पद भी जा सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां पर अजय माखन जो रहे, जिन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर अहम भूमिका निभाई, और अजय माखन भी अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए, लेकिन अब प्रभारी के पद पर सुखजिंदर सिंह रंधावा है, जो पायलट के लिए यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे कि पायलट में जोश और जुनून है और कई हद तक वह राजस्थान को संभाल सकते हैं, उनके बयान से यही साबित होते हुए नजर आया है। फिलहाल देखा जाए तो शांति धारीवाल और महेश जोशी का मंत्री पद भी हाथों से जा सकता है, तो ये कड़ा एक्शन हो सकता है, कड़ा फैसला हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। फिलहाल हमें इंतजार है 23 दिसंबर का, जब बैठक होगी अब आने वाले कल, तब देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।